नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक है जो हाई लेवल में इसमें ट्रैप हुए हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो में हम उस स्टॉक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो स्टॉक है हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेस। दोस्तों यहाँ जो भी स्टॉक आपको हम बताते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, अगर नहीं होता है तो मैं वीडियो में बोल देता हूँ। इसलिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें जो गिरावट होगा वो हमारा एक स्मॉल टाइम के लिए होगा, लॉन्ग टर्म में हमेशा वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो हमारा स्टॉक है इस वीडियो में जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेस। इंडिया मार्ट इंटरमेस एक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है स्टॉक का, जहां पर बिजनेस टू बिजनेस जो है प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो कंपनी के बिजनेस को भी जानना अच्छा होता है। लेकिन इसमें गिरावट के पीछे जो वजह है कि स्टॉक काफ़ी रैली कर चुका था, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि जो रिजल्ट है कंपनी का उस पर प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट हुई है। तो दो मुख्य वजह हैं, पहले स्टॉक काफ़ी रैली कर चुका था और रिजल्ट जो है उसमें प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, तो ये दोनों वजहें हो सकती है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने मिला है। या हो सकता है स्टॉक काफ़ी रैली कर गया तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है जिसके कारण स्टॉक जो है करेक्शन कर रहा है। तो इन सब बातों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है आपको लोअर लेवल पे इसमें बाय करने का। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और गिरावट होने दीजिए। जैसे जैसे गिरावट आता है आप इस पर नज़रें बनाए रखेंगे। जैसे देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक अगर नीचे आता है तो और ज़्यादा करेक्शन इसमें आपको देखने मिलेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे ये स्टॉक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको और ज़्यादा इसमें गिरावट देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर नज़रें बनाए रखिए। जैसे स्टॉक इससे नीचे आता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अभी आप ऐसे भी आपको बाय नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर नीचे जो इसका सपोर्ट है काफ़ी नीचे है, 5000 के आसपास इसका सपोर्ट है। देखिए यहाँ पर 5030 रुपीज़ ये इसका सपोर्ट बनता है नेक्स्ट। तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ही कहीं पे भी ले सकता है स्टॉक, या गिरावट हो तो 5000 रुपये तक भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी रैली किया है। स्टॉक देखिए यहाँ पर स्टॉक जो मात्र जो है जुलाई 2020 में 2000 रुपये के आसपास पकड़ता था, तो यहाँ से 10000 का ये हाई लगा चुका है। तो अगर ये 5000 तक आ जाता है, या यहाँ से मान लीजिए अभी 7350 रुपीज़ यहाँ से गिरावट होती है, तो अभी भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है। और नीचे आता है तो और नीचे के लेवल का हम वेट करेंगे। अगर यहीं से ये सपोर्ट लेता है कंसोलिडेट होने के बाद बाउंस बैक करता है तो आप यहीं से SIP स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टॉक होता है उसमें SIP आपको करना है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे अभी भी ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन देखें, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो अभी भी ये स्टॉक जो है अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाला है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है, अगर ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक में निश्चित है कि यहां पर बड़ा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। ऐसे भी देख सकते हैं कई दिनों से डेली इस स्टॉक में गिरावट हो रही है। यहां देखिए लगातार कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार एक सप्ताह से ये स्टॉक जो है लगातार गिर रहा है। बीच में एक दो दिन बाउंस बैक भी किया था बीच में, लेकिन लगातार कंटिन्यू गिरावट हो रहा है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक पर नज़र बनाए रखिए। अगर स्टॉक और नीचे आता है तो आप लोअर लेवल पे इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉक पहले भी जैसे हाइयर लेवल था मैंने बोला कि आपको वेट करना चाहिए, जैसे वेट करेंगे तो निश्चित है कि स्टॉक आपको अच्छे प्राइस लेवल बाय करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको वहाँ पर बाय करना है। तो यहाँ पर वेट करते रहिए, जैसे स्टॉक कहीं से भी बाउंस बैक होता है, इसी सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक होगा तो यहीं पे बाय करेंगे। अगर यहां से करेक्ट होता है तो फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 5000। देखिए ये काफ़ी मतलब कठिनाई से इस रेसिस्टेंस को यहां से क्रॉस किया था, तो ये उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा। और कंपनी का जो रिजल्ट है, जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उस पर को भी देखना है। अगर रिजल्ट लगातार इंप्रूव होता है तो निश्चित है कि स्टॉक में रैली जो है वो लगातार कंटिन्यू होगा। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखाते हैं, प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स देखिए यहाँ पर 89 करोड़ का था और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56 करोड़ का था, जो कि देखिए लगातार क्वार्टर में यहाँ इंक्रीज हो रहा था और इस क्वार्टर में जो है मार्च 21 के क्वार्टर में ये डिक्रीज हुआ।
तो इसी कारण यहां से आपको गिरावट देखने मिला। इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ लगभग यहां पर 30% प्रॉफिट में डिक्रीज देखने मिला, तो 30% प्रॉफिट में डिक्रीज देखने मिला जिसके कारण स्टॉक में आपको करेक्शन देखने मिल रहा है। यही प्रॉफिट अगर 30% से जंप कर जाता तो स्टॉक में आपको रैली कंटिन्यू होता हुआ दिखता। तो वहीं पर सेल्स की बात करें तो सेल्स में कोई डिक्रीज नहीं हुआ, सेल्स देख सकते हैं कॉन्स्टेंट है, सेल्स इंक्रीज ही हुआ है। 174 था पिछले क्वार्टर में, 180 हो चुका है, तो सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ। थोड़ा सा प्रॉफिट जो है कंपनी का वो डिक्रीज हुआ है। वहीं एनुअल बेसिस पे देखें तो उसमें भी देख सकते हैं सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी एनुअल बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। तो थोड़े क्वार्टरली रिजल्ट से उसमें प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ था। और वहीं बात करें तो दूसरा प्रमोटर्स का स्टेक, यहाँ पर मार्च क्वार्टर में प्रमोटर का स्टेक भी डिक्रीज हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्च क्वार्टर में जो है प्रमोटर का स्टेक उसमें भी डिक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो वो देखते हैं, जिसके कारण जो ये चेंज होता है उसका इफेक्ट पड़ता है शेयर के प्राइस पर। तो आपको भी लगातार इस शेयर के प्राइस को ट्रैक करना चाहिए, प्रमोटर्स का स्टेक क्या है, प्रमोटर्स का बिहेवियर किस तरह से कंपनी में है। वही बैलेंस शीट को देखें, बैलेंस शीट लगातार कंपनी का रिजर्व जो इंक्रीज हो रहा है, शेयर कैपिटल भी इन कंपनी का इंक्रीज हुआ 1 करोड़ से यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल की तुलना में। और वहीं कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हो चुका है। तो कंपनी में ओवरऑल लगभग सब चीज़ ठीक है, थोड़ा सा प्रमोटर स्टेक डिक्रीज हुआ है और साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है उसमें डिक्रीज हुआ है। तो ये सारे फैक्टर है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट हो रहा है। तो ये सारे टेम्प्रोरी काउज, अगर लगातार कई क्वार्टर, लगातार 3 से 4 क्वार्टर प्रॉफिट में डिक्रीज होता है तो फिर आपको इस स्टॉक में बने नहीं रहना चाहिए। लगातार 3 से 4 क्वार्टर प्रॉफिट में डिक्रीज होता है तो फिर आप कंपनी के अगर बिजनेस में बिलीव करते हैं तो बने रहिए, अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म के लिए उस कंपनी से निकल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है, आपको लगता है कंपनी का प्रॉफिट आने वाले समय में डिक्रीज होगा अगर 3-4 क्वार्टर के परफॉर्मेंस के खराब होने के बावजूद, तो फिर आप उस कंपनी में बने रह सकते हैं। ऐसे स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, 3 से 4 क्वार्टर लगातार प्रॉफिट में डिक्लाइन होता है, प्रॉफिट खराब होता है, कंपनी का डिक्रीज करता है तो आप उस कंपनी से निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल था इंडिया मार्ट इंटरमेस के बारे में। इंडिया मार्ट इंटरमेस जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, जो कि मैंने 2000 के प्राइस के आसपास था उसी समय से रिकमेंड किया था कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।